सभी आत्मीय जनों को ओम जय भगवान। वर्तमान में अधिक मास चल रहा है। हमारे सनातन धर्म के शास्त्रों ने कहा कि जो ज्योतिष विद्या अनुसार जो मुख्य 12 माह हैं उसमें जब एक विशेष माह जुड़ता है तो उसे अधिक माह कहा जाता है, जिसे पुरुषोत्तम माह भी कहते हैं, पुरुषोत्तम महीना भी कहते हैं, जिसका सनातन धर्म के शास्त्रों में बहुत महत्व समझाया है। हम सब प्रयत्न करें कि पुरुषोत्तम माह में ज़्यादा से ज़्यादा धर्म लाभ प्राप्त करें, धर्म कर्म करें और अपने कल्याणकारी प्रारब्ध का निर्माण करें। हम जीवन में सुख और दुख के दोनों की अनुभूतियाँ बारंबार करते रहते हैं। हमारे शास्त्रों ने कहा कि धर्म कर्म करने से कल्याणकारी एवं सुखकर प्रारब्ध का निर्माण होता है और अधर्म कर्म करने से पतनकारी या अहितकारी एवं दुखदायी प्रारब्ध का निर्माण होता है। यदि हम कल्याणकारी एवं सुखकर प्रारब्ध चाहते हैं तो हमें धर्म कर्म करना चाहिए। यदि हमारे द्वारा अधर्म कर्म होगा तो उसके परिणाम स्वरूप पतनकारी, अहितकारी, दुखदायी प्रारब्ध निर्माण होगा। विवेकवान व्यक्ति वह है कि जो जीवन में धर्म कर्म करे और अधर्म कर्म ना करे। धर्म कर्म करने में कभी संकोच नहीं होना चाहिए। धर्म कर्म करने में कभी प्रमाद नहीं होना चाहिए और अधर्म कर्म करने से डरना चाहिए। अधर्म कर्म न करना चाहिए, कभी न करना चाहिए। अधर्म कर्म करने में ना किसी को साथ देना चाहिए, ना सहयोग करना चाहिए। धर्म कर्म करने में सहयोगी बनना चाहिए। जीवन में हम अनेकों प्रकार के कर्म देखते हैं। कई बार कई कर्मों को देखकर निर्णय करना कठिन होता है कि यह कर्म धर्म कर्म है या अधर्म कर्म। या तो हम अपने जीवन में जो कर्म करते हैं इसमें भी कभी कभार द्विधा उत्पन्न होती है कि मैं ये कर्म करूँ वह धर्म कर्म होगा या अधर्म कर्म। शास्त्रों ने कहा कि यदि हमारे द्वारा धर्म कर्म होगा तो वह कल्याणकारी सुखकर प्रारब्ध का निर्माण करेगा और अधर्म कर्म होगा तो वह पतनकारी दुखदायी प्रारब्ध का निर्माण करेगा। किंतु मैं निर्णय ही नहीं कर पा रहा हूँ कि ये कर्म धर्म कर्म है या अधर्म कर्म, तो मैं मेरे कर्म को कैसे पहचानूं। कभी कभार ऐसा देखने मिलता है कि एक ही समान जैसे दिखाई पड़ते दो कर्म हो, और कभी एक ही जैसे दिखाई पड़ते दो कर्मों में से एक कर्म धर्म कर्म हो सकता है और दूसरा कर्म अधर्म कर्म हो सकता है। इसलिए वह कर्म जो हुआ है वह गलत या सही की जगह वह धर्म कर्म या अधर्म कर्म है वह निर्णय करना है। जैसे कि उदाहरण से समझाता हूं, कोई व्यक्ति को कोई बीमारी की वजह से या तो मानसिक परेशानी की वजह से ठीक से नींद नहीं आती है। 5-10 दिन बीत गए, ठीक नींद न आने से वह परेशान रहता है। उसने डॉक्टर से बात की, डॉक्टर ने देखा कि उसका स्वास्थ्य तो ठीक है किंतु मानसिक परेशानी की वजह से वो ठीक सो नहीं पा रहा है, इसीलिए उसकी परेशानी और बढ़ती चली जा रही है। डॉक्टर ने उसको गोलियां दी और उसे कहा कि ये गोलियां दूसरे रोगों के लिए नहीं है, सिर्फ आपको 4-6 घंटा गहराई से नींद आ जाए इसीलिए ये गोली है। उसने वह गोली खाई और उसको नींद आ गई। 4-6 घंटा वह गहराई से सो गया, गहराई की नींद आ गई। यह एक घटना है। यह घटना के अंदर देखा जाए तो उसको गोली दी गई और उस गोली खाने से उसको गहरी नींद आ गई।
यह हो गया धर्म कर्म। उसके स्वास्थ्य लाभ के लिए उसको दिया गया जो उपचार है वह धर्म कर्म हो गया। किसी व्यक्ति ने निंद की दवाई की गोलियों डॉक्टर से पूछ कर जान लिया और कहीं से निंद की गोलियां ले ली, अपने किसी परिचित जो अपने घर पे अकेले रहते थे वहां पर गए, पर उनको पता न चले ऐसे उनको निंद की गोली किसी खाने की चीज के साथ में खिला दी। वह खाना खाने के बाद वह सज्जन थोड़ी देर में सो गए, उनको गहरी नींद आ गई। इसके बाद गोली खिलाने वाले व्यक्ति ने उनके घर में से कुछ सामान या तो कुछ रुपये चुरा लिए। दोनों जो कार्य करने के लिए गोलियां खिलाई थी वो गोली खिलाना तो दोनों में एक जैसा काम था, किंतु उद्देश्य बदल गया कि गोली किस लिए खिलाई गई थी। तो चोरी करना तो अधर्म कर्म हुआ, किंतु चोरी करने के लिए निंद की गोली खिलाई गई वह भी अधर्म कर्म हुआ। पर पहले जो निंद की गोली खिलाई थी जो परेशान बीमार व्यक्ति को ठीक से नींद आए और स्वस्थ हो जाए वह धर्म कर्म हो गया। तो हमारे द्वारा किया गया कर्म उसका उद्देश्य क्या है क्या है। दूसरी बात, हम अच्छे कल्याणकारी उद्देश्य के लिए कर्म करें, किंतु उसके साथ यह भी नहीं होना चाहिए कि कल्याणकारी उद्देश्य के लिए हम दूसरों का अहित करें, वह भी अधर्म कर्म हो गया। तीसरी बात, कल्याणकारी उद्देश्य के लिए हम कर्म करें दूसरों का अहित भी नहीं करते हैं किंतु प्रकृति में नुकसान करते हैं, तो वो प्रकृति में हुआ नुकसान भी आखिर में जीव सृष्टि के लिए ही हानिकर हो गया, तो वह भी अधर्म कर्म हो गया। विवेक होना चाहिए कि कौन से कार्य के लिए किस प्रकार हित या अहित कितने अंश में किया जाए तो वह योग्य है। यानी कि धर्म कर्म वह कर्म के जो कल्याणकारी उद्देश्य के लिए किया गया हो, जिसमें किसी का अहित न किया जा रहा हो और जिसमें प्रकृति का भी संरक्षण संवर्धन होता हो, ऐसा कर्म धर्म कर्म। और दूसरों का अहित करने के लिए या तो स्वार्थ लालच में गलत उद्देश्य के लिए या तो जिसके द्वारा प्रकृति को हानि हो रही हो ऐसे कार्य किया जाए तो वह अधर्म कर्म हो सकता है। हमारे कई कार्य ऐसे होते हैं कि जिसमें हितकर कर्मों के लिए प्रकृति में कुछ अंश में हानि होती है, किंतु ज्यादा फायदा प्राप्त करने के लिए कुछ अंशों में जो मर्यादित और आंशिक हानि जो योग्य है तभी वह धर्म कर्म भी हो सकता है। तो ये पहलू देखना, गहराई से उसका अध्ययन करना और विवेक से निर्णय करना। यदि जानकर या अनजाने में अधर्म कर्म होता है तो उसका फल दुख रूप मिलता है, और जानकर या अनजाने में भी धर्म कर्म हो जाए तो उसका फल सुख रूप प्रारब्ध निर्माण होता है। हम सब प्रयत्न करें कि हम अपने जीवन में धर्म कर्म ज्यादा से ज्यादा करें और अधर्म कर्म एक भी ना करें या कभी भी ना करें। हम अपने जीवन में प्रयत्न करें कि ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों को धर्म कर्म में सहयोगी बने और किसी को भी अधर्म में सहयोगी न बने। ये हमारे सुखरूप कल्याणकारी प्रारब्ध निर्माण करने की चाबी है। कभी कभार ऐसा देखने मिलता है कि व्यक्ति जल्दी फायदा प्राप्त करने के लिए, ज्यादा सुख प्राप्ति के लिए अधर्म कर्म करता चला जाता है और वह सोचता है कि मैंने अधर्म कर्म किया है किंतु तत्काल में तो कोई मुझे नुकसान नहीं है, किंतु वह परमात्मा की जो शक्ति ईश्वरीय शक्ति वह कर्म का फल जरूर देती है। प्रत्येक कर्म का फल हमें मिलता है। जैसे हम पेड़ पौधे लगाते हैं तो किसी पेड़ पौधे पर फूल फल इत्यादि जल्दी आ जाते हैं, किसी पेड़ पौधे पर फल फूल इत्यादि देर से आते हैं। इस प्रकार हमारे किए गए कर्मों का फल कभी तत्काल मिलता है, कभी कुछ वक्त के बाद मिलता है, तो कभी कुछ वर्षों के बाद मिलता है, कभी जन्मों के बाद मिलता है।
फल जरूर मिलता है। वर्तमान में हम जो सुख या दुख रूप में जो पा रहे हैं, हो सकता है कुछ कर्म वो हमने वर्तमान में किए होंगे, कुछ कर्म पूर्व जन्म में किए होंगे, तो उसके धर्म उसमें से धर्म कर्मों के कारण हमें सुख मिल रहा है और अधर्म कर्मों के कारण दुख मिल रहा है। ईश्वर किसी से पक्षपात नहीं करते, ईश्वरीय सिस्टम किसी से पक्षपात नहीं करते। जैसे दीवार पर हमने एक कागज का बॉल फेंका, वो दीवार से टकरा कर नजदीक में गिरा, प्लास्टिक का बॉल फेंका, वो दीवार से टकरा कर कागज के बॉल से थोड़ा दूरी तक आया, पर रबर का बॉल फेंका वो प्लास्टिक से बॉल से भी ज्यादा दूरी पर आया। इसमें दीवार ने किसी से पक्षपात नहीं किया, हमने कौन से द्रव्य का बॉल कितनी ताकत से फेंका था, उस अनुसार वह बॉल इतने निश्चित दूरी पर गया। इस प्रकार हम जो कर्म करते हैं उस कर्म का हमें यथा योग्य फल जरूर मिलता है, उसके निश्चित किए हुए समय पर, परमात्मा शक्ति के द्वारा निर्मित किए गए समय पर। यदि हम सुख चाहते हैं तो धर्म करें, और यदि अधर्म करेंगे तो दुख मिलेगा। एक दो कहानियां कहता हूं। हमारे गुजरात में कहावत है, उतावड़े आंबा ना पाके, यानी कि आम की गुठली बोलते हैं तो जल्दी फल नहीं देती है। इस पर एक कहानी है। एक बार कुछ बंदरों ने सोचा, इकट्ठे हुए, चर्चा विचारना की कि हम लोग गांव में बागान में जाकर आम तोड़ कर लाते हैं, इसमें किसान हमें भगाते भी हैं, कभी पत्थर भी मारते हैं, चोट भी लग जाती है, तो अच्छा होगा कि हम जंगल में अपना ही एक आम का बागान बना दें। 100-200 बंदरों ने इस बात पर चर्चा हुई, आखिर में तय किया कि जंगल के गहराई में इस निश्चित जगह पे आम का बागान तैयार करना। आम की गुठली ले आए, दूसरे दिन सुबह में सभी बंदर उस मैदान में इकट्ठे हुए। बंदरों ने तय किया कि इस आम की गुठली को ये निश्चित जगह पर ठंडा करके इसमें रोपा जाएगा। कुछ युवान बंदरों ने ठंडा कर दिया, कुछ बड़े बंदरों ने आकर देख भी लिया, फिर कहा कि ठीक है, खड्डा सही है, आम की गुठली को अंदर रोप दिया गया, मिट्टी ऊपर रख दी गई ठीक से, थोड़े बंदर पानी ले आए, अंदर पानी डाल दिया गया, थोड़ा गोबर इत्यादि भी लाए थे वह भी इसमें मिला दिया था, तो मिट्टी थोड़ा गोबर मिलाया, पानी, ये सभी कंप्लीट हो गया था। आम भी, आम की गुठली भी बोदी गई थी। अब सभी बंदर चुपचाप शांति से बैठे थे। 5-7-10 मिनट हुई, एक बंदर ने कहा कि देखो तो आम का पौधा बाहर निकला है। कोई बड़े बुजुर्ग बंदर ने कहा कि थोड़ी देर तो राह देखो भाई, थोड़े तो इंतजार करो, इतनी जल्दी क्या है। और थोड़ी 5-10 मिनट गई, फिर कोई और बंदर ने कहा, भाई काफी देर हो गई, देखो तो अब तो आम का पौधा बाहर आया कि नहीं आया। फिर और कोई बंदर ने कहा कि अब थोड़ी और एक बार थोड़ी देर देख लेते हैं। फिर थोड़ी देर इंतजार करने के बाद फिर सभी बंदर ने कहा कि अब देख लो भाई कि हमने सही प्रयोग किया कि नहीं किया है, देखा है तो आम का पौधा बाहर नहीं आया था। सभी बंदर ने चर्चा विचारना करके तय किया कि ये इस प्रकार आम के पौधे नहीं निकलते हैं, आम की गुठली को जमीन में बोने से आम के पौधे नहीं निकलते हैं, ये गलत रीत है। इसलिए कहावत बनी कि ऐसे जल्दी से, उतावल से जल्दी से आम का पौधा नहीं निकलता है, इसीलिए हम गुजराती में कहते हैं उतावड़े आंबा पाके नहीं। तो हम भी जीवन में कई बार धर्म कर्म करते हैं, परमार्थ करते हैं, दान करते हैं, और सोचते हैं कि मेरे जीवन में जल्दी सुख आ जाए, तो मैं अभी यज्ञ कर दूं और मैं कल सुखी हो जाऊं, मैं अभी दान कर दूं और थोड़े दिनों में मैं सुखी हो जाऊं, मैं या मेरा परिवार में कोई बीमार है पर मैं अभी कुछ दान पुण्य करूं, कुछ सेवा का धर्म का काम करूं
और सब ठीक हो जाए, हो भी सकता है और तत्काल न भी हो सके, क्योंकि कुछ कर्म का फल तत्काल भी मिलता है, कुछ कर्म का फल कुछ देर से मिलता है, और कभी कभार फल सालों या जन्मों के बाद मिलता है, किंतु फल जरूर मिलता है। इसलिए अच्छा होगा कि हम धर्म कर्म करते रहे। हमारे शास्त्रों ने क्या कहा? हमारे शास्त्रों ने कहा कि हम अपने जीवन में प्रामाणिकता से पुरुषार्थ करके अपने जीवन यापन के लिए धनार्जन करें, संपत्ति प्राप्त करें, उसका चौथा हिस्सा हम दान करें। फिर कहा कि यदि चौथा हिस्सा दान नहीं कर सकते हैं तो कम से कम छठा हिस्सा दान करें, नहीं तो आठवां हिस्सा, नहीं तो दसवां हिस्सा तो जरूर दान करें। हमें निःशुल्क हवा मिल रही है, जमीन पानी दे रहा है, पेड़ पौधे इत्यादि प्रकृति हमारे जीवन के लिए अनेकों प्रकार से सहयोगी बन रही है, सूर्य का प्रकाश मिल रहा है, ईश्वर ने हमें दो हाथ पैर, दो आँख नाक, मानव का शरीर दिया है, तो हम जो प्राप्त करते हैं उसमें से कुछ हिस्सा हम संसार में कल्याण के लिए, स्वार्थ रहित सेवा के लिए दिए दे। किंतु कभी कभार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि मैंने पुरुषार्थ करके प्राप्त किया हुआ है तो फिर मैं इसमें से इतना क्यों दूं, या तो मैं दान करूं क्यों? यदि संसार में सभी पुरुषार्थ करने वालों को ही सफलता मिल जाती, ऐसा होता है तो लोग धर्म, ईश्वर, प्रारब्ध इत्यादि पे भरोसा ही न करते। किंतु वर्तमान में देखा जाए तो संसार में ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि जब सफलता मिलती है तो सभी बार नहीं तो कई बार तो ऐसा कहते हुए देखने मिलते हैं कि नसीब में था या प्रारब्ध में था, और कभी निष्फलता मिलती है तो कहते हैं कि प्रारब्ध में नहीं था। सफलता मिलती है तो प्रारब्ध में था, और निष्फलता मिलती है तो प्रारब्ध में नहीं था, ऐसा कई बार बोलते हुए देखने मिलता है। और हमारा धर्म शास्त्र में तो स्पष्ट कहा हुआ है कि प्रारब्ध में होता है तो निश्चित रूप से मिलता है, प्रारब्ध में नहीं होता है तो कम मिलता है या नहीं मिलता है। तो ये प्रारब्ध बनता कैसे है? कर्म करने से प्रारब्ध बनता है, हम जो कर्म करते हैं इससे प्रारब्ध बनता है। दो किसान थे, एक किसान के पास 5 बीघा जमीन थी, उसके बिल्कुल लगकर पास में, दूसरे किसान के भी पास 5 बीघा जमीन थी, और उस जमीन के पास में ही तालाब था, पानी की सुविधा थी। एक किसान में अपने 5 बीघे में से पूरे 5 बीघों में उसने गेहूं कर दिया और उसने खाद पानी सब कुछ किया। दूसरे किसान ने 5 बीघे में से 1 बीघा में गेहूं किया, खाद पानी किया, 4 बीघा ऐसे ही छोड़ दी। जब 2.5-3 महीने बीत गए तो जिसने 5 बीघा में फसल बोई थी उसका ज्यादा गेहूं पककर आया, और 1 बीघा में बोई थी उसका कम पककर आया। यही तो नियम है, हम जो करते हैं वो, हम जितना भी कर्म करते हैं उसका फल मिलता है, और कुदरत का तो नियम है कि जो करेंगे वो अनेक गुना होकर वापस मिलेगा। एक बार शंकराचार्य जी भिक्षाटन के लिए निकले थे, शंकर दिग्विजय नाम का एक हमारा शास्त्र है शंकराचार्य के जीवन के बारे में, जो उसके चौथे सर्ग के अंदर ये समझा बताया है कि शंकराचार्य जी भिक्षा के लिए गए थे और एक ब्राह्मणी के द्वार पर जाकर उन्हें आवाज लगाई, भिक्षाम देहि। ब्राह्मणी उस वक्त दरिद्र थी, गरीब थी, उसने देखा कि मेरे द्वार पर युवान सन्यासी तपस्वी महात्मा आकर खड़े हैं पर मेरे से भिक्षा मांग रहे हैं। उसके पास कुछ आंवले थे, उसने वह आंवले शंकराचार्य को दे दिए। शंकराचार्य ने देखा कि उसने थोड़े सूखे आंवले दिए हुए हैं, उन्होंने अपने दिव्य दृष्टि से वो जान लिया कि ब्राह्मणी निर्धन है, गरीब है, और उसके पास यही था खाने का आंवला, वह भी उसने मुझे दे दिया। वो करुणामयी महात्मा के हृदय में करुणा पैदा हुई और उन्होंने उस वक्त संपत्ति की देवी, ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी जी को प्रार्थना की। वह महान महात्मा शंकराचार्य जी की प्रार्थना से प्रसन्न होकर लक्ष्मी जी ने उनको दर्शन दिया। शंकराचार्य जी ने कहा कि ये
ब्राह्मणी को आप, यह ब्राह्मणी को आप धन प्रदान करें। लक्ष्मी जी ने कहा कि उसके पूर्व कर्मों के प्रारब्ध के अनुसार उसके पास ऐसा कोई कर्म फल नहीं है कि वर्तमान में उसको धन संपत्ति प्राप्त हो। शंकराचार्य ने अपनी बात का आग्रह किया, प्रार्थना की, पर एक कर्म भी तो जुड़ा था कि उस ब्राह्मणी ने शंकराचार्य जी को आंवले दिए थे। लक्ष्मी जी ने शंकराचार्य की प्रार्थना और जो शंकराचार्य जी को आंवला दिया था वह कर्म, ये सभी देखकर ब्राह्मणी को संपन्न बना दिया, सुख संपन्न बना दिया। ऐसे कहते हैं कि सुवर्ण की बारिश हुई। यदि हम इसको दो अर्थ में समझ सकते हैं, एक तो कहते हैं कि सुवर्ण की बारिश हुई यानी आकाश में गिरा होगा, आकाश से गिरा होगा सुवर्ण, एक ऐसा सोच सकते हैं, या तो दूसरा ये सोच सकते हैं कि उसको इस प्रकार धनार्जन प्राप्त हुआ कि जैसे बारिश होना हो ऐसे उसकी संपत्ति बढ़ती चली गई। तो शंकराचार्य जी ने जो प्रार्थना की थी उसको कनक धारा स्तोत्र नाम से प्रसिद्ध हुई हो, कनक यानी सुवर्ण, और वर्तमान में भी कनक धारा स्तोत्र प्रसिद्ध है। तो वह निर्धन ब्राह्मणी ने भी ऐसा कर्म किया कि जिस कर्म के फल स्वरूप उसने भी सुख संपत्ति प्राप्त की। तो उसने जो धर्म कर्म किया उस दान धर्म के कर्म के कारण उसको वह फल प्राप्त हुआ। हमें प्रयत्न करना है कि हम अपने जीवन में धर्म कर्म करें, और साथ में याद रखें कि आम की गुठली बोएंगे तो तुरंत आम निकल आए ऐसा न सोचे, कर्म करते रहे, ईश्वर से प्रार्थना करते रहे। दान को भी धर्म कहा है, इसीलिए दान धर्म ऐसा हमारे शास्त्रों ने कहा। और संसार में ऐसे अनेकों व्यक्ति हो गए कि जिनको उनके जिन्हें उनके दान के कारण याद किया जाता है, जैसे हरिश्चंद्र को सत्य के कारण याद किया जाता है, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, ऐसे हरिश्चंद्र को वो सत्य का पालन करते हुए दान करने के कारण भी आज हम उसको आदर्श मानते हैं। कर्ण को भी दान के कारण आदर्श मानते हैं। ऐसे अनेकों हो गए कि जो जिन्होंने अपने जीवन में इतना दान दिया कि जिन्हें आज भी आदर्श के रूप में याद किया जाता है। यदि बीज बोया जाए तो सही भूमि में बोया जाए, उत्तम भूमि में बोया जाए तो वो उत्तम फल देता है, किंतु जो भूमि में रेत ज्यादा है यानी कि बालू ज्यादा है, जहाँ पानी ठीक नहीं है या तो पानी सोख सके ऐसी ठीक मिट्टी नहीं है, वहाँ बीज बोया जाए तो हो सकता है कि सभी प्रकार की फसल उत्तम ना भी पके। उस प्रकार सुपात्र को दान दिया जाए तो उत्तम फलदायी होता है, जो कल्याणकारी कार्यों के लिए उपयोग किया जाए, श्रेष्ठ कार्यों के लिए उपयोग किया जाए तो उत्तम फलदायी होता है। हम सबका फर्ज है, हम सबका कर्तव्य है कि हम सब अपने सनातन धर्म के कार्यों को आगे बढ़ाए और उसका प्रसार करें। हम कायावरोहण तीर्थ में लकुलिस धाम आश्रम से सनातन धर्म, सनातन संस्कृति के कार्यों को प्रसारित करने के लिए प्रयत्न करते हैं। आश्रम में प्रतिदिन भोजन, निःशुल्क भोजन चलता रहता है, अन्नक्षेत्र चलता है, यहाँ प्रतिदिन यज्ञ होता है, आश्रम में गौशाला है जिसके अंदर 125-30 जितने गाय, नंदी, बछड़ी मिलाकर 125 जितने हैं, साधु संत यहाँ पर रहते हैं, सेवा परमार्थ के कार्य होते रहते हैं। जैसे गर्मियां होती है तो यहाँ से जरूरतमंदों को स्लीपर बांटने का कार्य करते हैं, पक्षियों के लिए जलपात्र मंगवाते हैं मिट्टी के, और वह कई जगह बांटते हैं कि इसमें जल भरा जाए, पक्षियों के लिए घोंसले मंगवाते हैं कि जो कई जगह बांटते हैं। अभी वर्तमान में तो तैयार मिलते हैं बॉक्स, पर मिट्टी के भी मिलते हैं, वो बांटते हैं कि जिसके अंदर चिड़िया रह सके, उसके बच्चे बड़े हो सके। ठंडियों में ब्लैंकेट बांटते हैं, कुदरती आपदा होती है तो उसी वक्त यहाँ से वहाँ भोजन इत्यादि सामान भेजते रहते हैं, मेडिकल कैंप का आयोजन करते रहते हैं, साथ में योग शिक्षण, यज्ञ प्रशिक्षण इत्यादि व्यवस्था करते हैं, ऐसे अनेक विध कार्यों का यहाँ से आयोजन करते रहते हैं। लकुलिस धाम आश्रम से धर्म, परमार्थ सेवा, साधु संत सेवा, यज्ञ कर्म,
देव पूजन ये अनेक विध कार्यों का आयोजन प्रतिदिन और नियमित यानी समय समय पर होता रहता है। ये सभी कार्य धर्म कार्यों करने के लिए, परमार्थ कार्यों करने के लिए धन की आवश्यकता सदैव बनी रहती है। और जब साधु संत जो धर्म कार्यों का आयोजन करवाते हो तो उनको आवश्यकता होती है कि भिक्षा मिले, उनको दान मिले, उनको कि जिसके द्वारा धर्म के कार्यों का प्रवाह निरंतर बना रहे। आप सभी में से अनेकों आत्मीय जन लकुलिस धाम से संचालित धर्म कार्यों के लिए कोई नित्य या तो कोई अनुकूल समय पर दान करते रहते हो। वर्तमान में मैंने ऐसे आयोजन किया कि आश्रम के धर्म कार्यों को, परमार्थ कार्यों को, सेवा कार्यों को निरंतरता बनी रहे और उसके लिए आवश्यक धनराशि वह भी निरंतर प्राप्त होती रहे। इस उद्देश्य को लक्ष्य में रखकर ऐसा आयोजन किया कि जो शिष्य वर्ग आत्मीय जन अपनी अनुकूलता के अनुसार प्रति महीना दान करे, यानी कि किसी व्यक्ति को प्रति महीना 5,000 देने की क्षमता है, 5,000 दान देने की क्षमता है तो प्रति महीना 5,000 दान करे। किसी की क्षमता प्रति महीना 2,000 दान देने की है तो प्रति महीना 2,000 दान करे, 3,000 दान करे। किसी की क्षमता 1,000 रुपया देने की है, 1,500 रुपया देने की है तो उस अनुसार दान करे। किसी की क्षमता 500 रुपया की है, किसी की क्षमता 200 रुपया की है, 100 रुपया की है, 50 रुपया की है, और मैंने कहा अंतिम 1 रुपया कि कम से कम 1 रुपया भी तो दान कर सकते हो आप, क्योंकि मैं ऐसा चाहता हूं कि कोई व्यक्ति ऐसा ना रह जाए कि जिसको ऐसा हो कि मैं भी चाहता हूं कि प्रीतम मुनि जी के द्वारा जो धर्म परमार्थ संस्कृति सेवा के कार्य होते रहते हैं मुझे भी योगदान देना है, किंतु मेरी वर्तमान में ऐसी क्षमता नहीं है तो मैं कैसे इसमें जुड़ सकता हूं। या तो कोई बच्चा, छोटा बच्चा है, 5वीं 10वीं कक्षा में पढ़ता है, दूसरी 3री कक्षा में पढ़ता है, उसकी भी इच्छा है कि गुरुजी मुझे भी ये परमार्थ कार्य में जुड़ना है तो मैं मेरे पास जो थोड़े पैसे होते हैं उसमें से मैं कुछ देना चाहूँ तो 10 रुपया 20 रुपया 25 रुपया 50 रुपया, तो क्या मैं इस सेवा कार्य में जुड़ सकता हूँ। तो मैंने ऐसा रखा कि उसको भी मना ना करना पड़े, इसीलिए कम से कम 1 रुपया, किंतु हर व्यक्ति को अपनी क्षमता अनुसार दान करते रहना चाहिए। और यदि मान लो कोई आदमी जन ने तय किया कि मैं मुनि जी ये धर्म कार्य परमार्थ संस्कृति सेवा के कार्य हेतु प्रति महीना 2,000 रुपया दान करूंगा, अब आगे चलकर उसकी स्थिति अच्छी है, अनुकूलता अच्छी है और वो चाहता है कि अब मुझे इसमें बढ़ाना है, तो आप संस्था के संपर्क नंबर पर फोन करके जनाओ कि मैंने जो 2,000 कहा था अब मेरी अनुकूलता है तो मैं 3,000 हर महीने दूंगा। तो एक वहां पर एक वो गिनती में लिया जाएगा कब इतना में इतनी व्यवस्था हो पाएगी, तो कार्य करने में इस प्रकार आयोजन कर सकते हैं। यदि मान लो कभी दिक्कत की परिस्थिति है तो आप ये कह सकते हो कि मैं 2,000 की जगह 1,000 दूंगा, 500 रुपया दूंगा, 200 रुपया दूंगा, 100 रुपया दूंगा, किंतु बंद मत करो। जब हम अपने खाने के लिए खर्चा करते हैं, व्यवस्थाओं के लिए खर्चा करते हैं, अन्य प्रकार से अनेकों खर्चा करते रहते हैं, तो दान परमार्थ के लिए भी हमारी निरंतरता बनी रहे। उस उद्देश्य से मैंने ऐसे रखा कि यदि ज्यादा ना दे सके, कोई ऐसी क्षमता ना हो तो 500, 200, 100, 50, 20 जो भी दे सकता हो दो। और दूसरा इसके साथ मैंने कहा कि ज्यादातर ऐसा देखने मिलता है कि एक घर परिवार में 7-8 लोग हैं तो घर का एक व्यक्ति मुख्य व्यक्ति ने मान लो कि 2,000 रुपया दिया, तो मैं कहता हूँ ऐसा करो तो बच्चों को भी जोड़ो, बड़े बुजुर्ग को भी जोड़ो, बहनों को भी जोड़ो, सभी को दान धर्म में जोड़ो कि भाई आप कम दो। बच्चे चाहते हैं कि भाई मुझे भी प्रति महीना दान देना है तो 50 रुपया दे सकते हैं, आप 3,000 रुपया देना चाहते हो तो उसको ऐसे करके बांट दो कि इसमें स्वयं भी अपने नाम से भी कुछ दान दो, कुछ पत्नी के नाम से, कुछ बच्चों के नाम से। दान तो वही है, इकट्ठा दोगे तभी वही धन आएगा और सबको जोड़ोगे तभी वह आएगा, किंतु उन सबके मन में भी वह संस्कार बढ़ते चले जाएंगे कि मैंने दान किया है, मैं भी दान निरंतर दे रहा हूँ। छोटा बच्चा भी वह संस्कार पाएगा कि मैं भी आश्रम में प्रति महीना दान करता हूँ, बूढ़े बुजुर्ग होंगे उनको भी ऐसा लगेगा कि मैं भी आश्रम में हर महीने 200 रुपया 100 रुपया दान भेजता हूँ। घर में बहने होगी उनको भी लगेगा कि मेरा भी 50 रुपया 100 रुपया 200 रुपया आश्रम को प्रति महीना दान जाता है। पर मैंने भी तय किया है कि जितने भी आत्मीय जनों के शिष्यों के प्रति महीना दान आएगा तो हर साल दिवाली के पहले आश्रम से एक पत्र लिखेंगे और उनके
बच्चों को बच्चों के अनुसार, बड़ों को बड़ों के अनुसार, बुजुर्गों को उनके अनुसार आशीर्वाद और प्रेरणा मार्गदर्शन की बातें लिखेंगे तो बच्चों को भी उत्साह बढ़ेगा कि गुरुजी ने मुझे पत्र लिखा है। चाहे बच्चा 5 साल का है, 7 साल का है, 10 साल का है, किंतु उसे होगा कि गुरुजी ने मुझे पत्र लिखा है और पत्र में लिखा है कि बेटा भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि तेरी बौद्धिक प्रतिभा बढ़ती रहे, तेरे में सद्गुण बढ़ता रहे, सत्कर्म तेरे द्वारा बढ़ते रहे, तू धर्म कर्म करता रहे, तू सक्षम बने और संसार में धर्म कर्म को बढ़ाने में, परमार्थ कर्म को बढ़ाने में सदैव योगदान देता रहे। इस प्रकार के तो उसको भी प्रसन्नता होगी, खुशी होगी। कुल मिलाकर हम प्रयत्न करें कि अपने परिवार में सभी में दान धर्म का संस्कार पड़े और साथ में नकुलिस धाम के द्वारा धर्म, परमार्थ, यज्ञ, सेवा, संस्कृति, संत सेवा, गौ सेवा के जो भी कार्य हो रहे हैं सभी, उन सभी कार्यों को भी नियमित दान, निरंतर दान का प्रभाव मिलता रहे। आप सभी प्रयत्न करना कि आपके परिचितों को, आत्मीयजनों को इस दान धर्म के कार्य में जुड़ना, कि जिसके कारण उनका भी कल्याण होगा, उनके परिवार का कल्याण होगा, उनका श्रेष्ठ कल्याणकारी सुखकर प्रारब्ध का निर्माण होगा और साथ में आश्रम के द्वारा जो धर्म, संस्कृति, सेवा, परमार्थ के कार्य हो रहे हैं उसको अनुकूलता प्रदान होगी। यदि जो भी आत्मीयजन आश्रम में आकर देखना चाहते हो कि यज्ञ का क्रिया खुद लाभ लेना चाहते हो, यज्ञ में सहभागी बनकर बैठने का, या तो गौशाला की सेवा में, धर्म कार्यों में, परमार्थ कार्यों में, सेवा कार्यों में, तो वह स्वयं आश्रम में आकर इस सब कार्यों में सहभागी बन सकते हैं, देख सकते हैं और दूसरों को भी इसमें जुड़ने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। हम सब मिलकर प्रयत्न करेंगे, ईश्वर ने हम सबको अनुकूलता प्रदान की है तो हम ज़्यादा धर्म कर्म करें। संसार में बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनको ठीक से खाना भी नियमित नहीं मिल पाता है। संसार में बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जिनको परिस्थितिवश ठीक से कपड़े नहीं मिल पाते हैं। संसार में बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनको रहने के लिए मकान की व्यवस्था नहीं मिल पाती है। हम सब मिलकर प्रयत्न करें कि ईश्वर ने हमको खाने के लिए व्यवस्थाएं दी है, रहने के लिए कुछ व्यवस्था प्राप्त है, अनुकूलता प्राप्त है, वस्त्र सुविधा प्राप्त है, तो हम सिर्फ अपने या अपने परिवार तक सीमित न रहे किंतु सेवा के लिए, परमार्थ के लिए, धर्म संस्कृति के लिए भी उत्तम, अपनी क्षमता अनुसार उत्तम दान धर्म का पालन करते रहे। अंत में ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम सबको ऐसी क्षमता प्रदान करें कि हमारे द्वारा धर्म कर्म बढ़ता रहे, परमार्थ का कर्म बढ़ता रहे, सेवा के कार्य बढ़ते रहे और हम ज़्यादा से ज़्यादा धर्म कार्य करें। पुनः याद रखना, अपनी क्षमता के अनुसार दान करना चाहिए। एक व्यक्ति के पास 1 करोड़ रुपया है और वह 10 लाख का दान करता है तो उसने अपनी संपत्ति का 10% दान किया, और एक व्यक्ति के पास 1 लाख रुपया है वह 10,000 का दान करता है तब भी उसने 10% दान किया, और एक व्यक्ति के पास 1,000 रुपया है और उसमें से वो 100 रुपये का दान करता है तब भी 10% दान हुआ। किंतु यदि 1,000 रुपये वाला व्यक्ति 200 रुपया दान करता है तो उसने अपने संपत्ति का 20% दान किया। तो 1 करोड़ वाले ने 10 लाख दान किया, उसको जो फल प्राप्त होगा उससे हो सकता है करीब 2 गुना फल उसको मिलेगा कि जिसने 1,000 रुपये में से 200 रुपया दान किया। क्योंकि 1 करोड़ वाले ने 10 लाख देकर 10% दान किया और 1,000 रुपये वाले ने 200 रुपया देकर 20% दान किया। तो अपनी क्षमता अनुसार ज्यादा दान करना है, प्रयत्न करना कि हम अपनी क्षमताओं का आकलन स्वयं करें और ज्यादा से ज्यादा धर्म कर्म करें। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि सभी को क्षमतावान बनाए और धर्म कर्म की ओर आगे बढ़ाए। अंत में सबके कल्याण के लिए ईश्वर से प्रार्थना, ओम सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो।